हेलो भाई एक बहुत ही धाकड़ और एक जबरदस्त कंसेप्ट इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है प्रॉफिट एंड लॉस का डिसऑनेस्ट डीलर के सवाल आप लोगों ने बहुत होंगे हर एक एग्जाम एक में देख होंगे के पेपर में प्री के पेपर में स्टेट इवन यूपीएससी सीडीएस के पेपर्स में भी तो उन सभी सवालों को सॉल्व करने का एकमात्र गोल्डन तरीका रेशियो मेथड जो यूट्यूब पे मैंने सबसे पहले आके पढ़ाया था दो साल पहले हालांकि अब तो काफी लोगों ने वो तरीका सीख लिया चलो अच्छी बात है लोग सीख रहे हैं लेकिन उस तरीके को मैंने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना केवल कैलकुलेशन करनी है थोड़ा सा पेन उठाना है और रेशियो मैथड से आप कितना भी बड़ा सवाल हो कितना भी उसमें लेंथी डाटा दे रखो इस तरीके से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए आप इसको कंप्लीट पूरा देखिए एंड तक आपको बहुत मजा आने वाला है इवन आप इसमें रेशियो मेथड का परफेक्ट यूज सीखोगे ठीक है भाई अगर आप कैरवेल ऐप से जुड़े हुए नहीं हैं, तो आप कैरवेल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है भाई चलिए वो पहले डिसऑनेस्ट डीलर का कंसेप्ट समझो बाकी चीज बाद में समझना आप लोग ठीक है देखिए इधर देखो भाई सीट वन के क्वेश्चन आपको खुद से करने थे नहीं हो रहे हैं तो छोड़ दीजिए ठीक है आगे बढ़ते हैं चलो डिसऑनेस्ट डीलर बेईमान दुकानदार एक दुकानदार इस टाइप का है जो ये कहता है कि मैं बहुत दानवीर आदमी हूं मैं अपने सामान को जिस प्राइस में खरीद के ला रहा हूं उसी प्राइस में बेच रहा हूं एक दुकानदार ये कहता है कि मैं अपने सामान को जिस प्राइस में खरीद के ला रहा हूं उसी प्राइस में बेच रहा हूं पर फिर भी वो प्रॉफिट कमा रहा है कैसे क्योंकि वो खरीदते वक्त बेईमानी करता है और बेचते वक्त भी बेईमानी करता है अब आप बताओ एक दुकानदार सामान खरीदते वक्त कोई दुकानदार होता है दुकानदार भी तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह से सामान खरीद के लाता है एक दुकानदार खरीदते वक्त कैसे बेईमानी करेगा आप मुझे बताओ दुकानदार सामान खरीदते वक्त कैसे बेईमानी करेगा एक दुकानदार तो दुकानदार सामान खरीदते वक्त कैसे बेईमानी करेगा तो इसका सिंपल और सीधा सा फंडा है कि अगर उसको हजार ग्राम सामान खरीदना चाहिए तो वो गलत वजन का यूज करेगा फॉल्स वेट का यूज करेगा और दूसरे सामने वाले दुकानदार से बेचारे से 1100 ग्राम सामान तुलवा के ले आएगा कितना तुलवा के ले आएगा ग्राम, he takes, he takes 1200 ग्राम ठीक है ना ही टेक्स ही टेक्स 1200 ग्राम इनस्टेड ऑफ इनस्टेड ऑफ वन थाउजेंड ग्राम वाइल बाइंग बाइंग सुनना गौर से सभी लोग देखिए एक बात सुनना हां माप तोल में गड़बड़ करता है कोई दुकानदार बेईमानी किस लिए करता है आदमी अपना ईमान किस लिए डुलाता है क्योंकि उसको फायदा हो ए, कोई आदमी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो बेईमानी भी करे और अपना नुकसान भी करे आदमी बेईमानी केवल तब ही करेगा जब वो फायदा कमाएगा जब उसको प्रॉफिट दिख रहा हो अगर कोई दुकानदार किसी दूसरे दुकान से सामान खरीद के ला रहा है और वो बेईमानी करने के मूड में है तो वो ज्यादा सामान तुलवा के ले आएगा झूठ बोल के मतलब उसको लेना चाहिए था हजार ग्राम सामान तुलवाना चाहिए था लेकिन उसने गलत कांटे का यूज करके गलत वजन का यूज करके कितना तुलवा लिया बारह सौ ग्राम तुलवा लिया तो जहर सी बात है हजार ग्राम सामान उसको तुलवाना चाहिए था कितना हजार ग्राम सामान उसको तुलवाना चाहिए था लेकिन उसने कितना वजन तुलवा लिया बारह ग्राम वजन तुलवा लिया तो आप मुझे बताओ उस बंदे ने क्या 200 ग्राम का प्रॉफिट कमा लिया कि नहीं कमा लिया कितना प्रॉफिट कमा लिया उसने 200 ग्राम का प्रॉफिट कमा लिया कि नहीं कमा लिया यस yes, नो no. बाहुबली होता है हमारे सवालों में होता है 200 ग्राम का प्रॉफिट कमा लिया कि नहीं कमा लिया मैं ये कहता हूं कि एक ग्राम की कीमत सपोज एक रुपये अगर एक ग्राम की कीमत एक रुपए तो हजार ग्राम समान हजार रुपए का बारह सौ ग्राम समान बारह सौ रुपए का मतलब उस दुकानदार ने किया क्या? हजार, हजार रुपए दे के खरीद लिया लेकिन गलती से बेईमानी करके बारह सौ ग्राम वजन तुलवा लाया, यानी कि बारह सौ रुपए का सामान ले आया हजार रुपए का सामान वो मतलब बारह सौ रुपए का सामान झूठ बोल के हजार रुपए में ले आया मतलब उसने दो सौ रुपए का प्रॉफिट कमा लिया तो इस तरीके से दुकानदार ने बेमानी करके कितना प्रॉफिट कमा लिया ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट कमा लिया तो ये होता है तुम्हारा इनिशियल वैल्यू ये होता है इनिशियल वैल्यू ये है फाइनल वैल्यू देखिए इनिशियल वैल्यू हमेशा कम होगी फाइनल वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी अगर बेईमानी की बात चल रही है क्योंकि आप प्रॉफिट कमा रहे हो मैं हर साल को रेशो से कराऊंगा आपने दुनिया भर के तरीके देख होंगे अलग अलग जगह मैं, मैं वैसे नहीं कराता सवालों को एक और आ, कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं तो बेचारे बेचते वक्त भी बेईमानी करते हैं कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो बेचते वक्त भी बेईमानी करते हैं तो एक दुकानदार ऐसा है ही गिव्स He gives 900 gram. He gives 900 gram ya या एट kar lete कर लेते हैं गिवस एट हंड्रेड ग्राम instead of इनस्टेड ऑफ वन के while वाइल्ड सेलिंग वाइल्ड एक दुकानदार ने एक दुकानदार ये कह रहा भाई मैं कुछ नहीं कमा रहा मैं बहुत बढ़िया आदमी जितने में मैं खरीद के लाया उतने रुपए में दे रहा हूं लेकिन वो कर्तक है अपने ग्राहक को एक किलोग्राम सामान की बजाय केवल 800 ग्राम सामान ही देता है तो आप बताओ कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है कितना प्रॉफिट कमा रहा है एक दुकानदार ये कह रहा है भाई मैं जितने का सामान खरीद के ला रहा हूं उतने में बेच रहा हूं लेकिन वो बेईमानी करता है चीटिंग करता है बेचते वक्त एक किलोग्राम सामान की बजाय अपने ग्राहक को बिचारे को 800 ग्राम ही देता है वो कितना प्रॉफिट कमाता है कितना प्रॉफिट कमाता है बताओ यहां गलती मत कर देना दो ग्राम कम दे रहा है सामान देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं बेसिक से समझाते एक ग्राम की कीमत मैंने एक रुपए मान ली कि एक ग्राम का कॉस्ट प्राइस एक रुपए एक ग्राम का कॉस्ट प्राइस एक रुपए मान लिया तो एक किलोग्राम सामान कितने का होता है हजार रुपए का और आठ सौ ग्राम सामान कितने का होता है आठ सौ रुपए का अब देखिए दुकानदार ने ग्राहक से कितने रुपए का सामान दुकानदार ने ग्राहक से कितने रुपए लिए हजार रुपए लिए कहकर लिए हजार रुपए कि भाई मैं तुमको हजार ग्राम सामान दे रहा हूं लेकिन दुकानदार ने हजार ग्राम तो दिया ही नहीं दुकानदार ने हजार ग्राम तो दिया ही नहीं दुकानदार ने केवल 800 ग्राम दिया सामान 800 रुपए का तो दुकानदार ने झूठ बोल के आठ रुपए का सामान दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो यहां बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी 20 परसेंट आंसर बता रहे दुकानदार के नजरिए से सोचना है हमेशा दुकानदार के नजरिए से प्रॉफिट कौन कमा रहा है बेईमान दुकानदार दुकानदार के नजरिए से सोचो दुकानदार को एक किलोग्राम सामान देना चाहिए था उसने केवल कितना दिया 800 ग्राम सामान दिया यानी कि आठ रुपए का सामान दुकानदार ने आठ रुपए का सामान 800 ग्राम सामान एक किलो बताकर बेच दिया तो 800 ग्राम सामान आठ सौ रुपए का झूठ बोल के हजार रुपए में बेच दिया तो मुझे ये बताइए दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ दो सौ रुपए का प्रॉफिट हुआ आठ सौ रुपए पर एक बटे चार का प्रॉफिट यानी कि दुकानदार को पच्चीस परसेंट प्रॉफिट ठीक है तो देखो यहां भी 200 ग्राम की बेईमानी करिए भी 200 ग्राम की बेईमानी करिए भी 200 ग्राम की बेईमानी करिए खरीदते वक्त यहां भी 200 ग्राम की बेईमानी करिए बेचते वक्त लेकिन यहां केवल 20 परसेंट का फायदा हुआ यहां उसको 25 परसेंट का फायदा कौन सी बेईमानी बढ़िया है कौन सी बेईमानी बढ़िया है सुमित बेस लेना है दुकानदार के नजरिए से दुकानदार देखो दुकानदार ने कितना इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट कितना कमाया मैं आपको सीधा अगर मैं रट्टाफिकेशन वाली चीज की बात कहूं मैंने आपको लॉजिकली भी समझा दिया है रेशो आपको बनाना आना चाहिए आप बताओ एक दुकानदार ऐसा है जो खरीदते वक्त हजार ग्राम सामान की बजाय बारह सौ ग्राम सामान ले आता है तो देखो ख, आपको कुछ नहीं करना अगर बेईमानी इधर लिखो कम वैल्यू इधर लिखो ज्यादा वैल्यू ज्यादा सोचो मत कम कितना है हजार ज्यादा कितना है बारह इतना प्रॉफिट हो गया उसको बीस परसेंट इधर देखो दुकानदार ने बेचते वक्त हजार ग्राम की बजाय 800 ग्राम सामान दिया इधर लिखो कम वैल्यू 800 इधर लिखो ज्यादा अरे कम का सामान ज्यादा में बिकेगा तभी ना प्रॉफिट होगा प्रॉफिट कितना हुआ 25 परसेंट सिंपल सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है रेशियो में ठीक है कोई प्रॉब्लम है रेशियो बनाइए कम इधर लिखो वैल्यू ज्यादा वाली वैल्यू उधर तो आंसर आ जाएगा ठीक है भाई तो बात समझ में आ गई सभी को तो अगर कोई दुकानदार खरीदते वक्त हजार ग्राम सामान के बजाय बारह ग्राम सामान ले आ रहा है तो उसने कितना इन्वेस्ट किया हजार रुपए सामान कितने का खरीद लिया बारह सौ रुपए का प्रॉफिट कितना कमाया बीस परसेंट वही दुकानदार अगर एक किलोग्राम की बजाय आठ सौ ग्राम सामान देता है तो उसने इन्वेस्ट कितने का किया आठ सौ का झूठ बोल के बेच कितने का दिया हजार रुपए का कितना प्रॉफिट कमाया एक वटे चार पच्चीस परसेंट हाँ, खरीदते और दो अगर कोई दुकानदार खरीदते टाइम भी बेईमानी करे अगर कोई दुकानदार खरीदते टाइम भी बेईमानी कर रहा है बेचते टाइम भी बेईमानी कर रहा है तो कैसी बेईमानी है ये सक्सेसिव बेईमानी है ये क्या है सक्सेसिव बेईमानी है बात समझ में आई तो आपको ऐसे सवालों में सक्सेसिव रेशियो मेथड लगाना है जितने भी एक्शन दे रखे हैं मार्कअप दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है लॉस दे रखा है डिस्काउंट दे रखा है खरीदते बेईमानी दे रखते बेचते टाइम बेईमानी दे रखी है सबको एक रेशियो की फॉर्म में अरेंज करो और उसका नेट इफेक्टिव निकालो बात समझ में आई यहां तक बताओ क्लियर है कि नहीं अनुराग लेकिन दोनों केस में बेस अलग था यहां बेस आठ सौ रुपए था यहां बेस हजार रुपए था बेईमानी दोनों जगह दो सौ दो सौ रुपए ग्राम की, की है लेकिन बेस अलग है दोनों जगह एक बार उसको पैसा देना पड़ रहा है एक बार वो पैसा ले रहा है क्लियर है सौ परसेंट रेशियो मेथड से सवाल सॉल्व सौ, कराऊंगा पहला सवाल मैं कराने की कोशिश करता हूं अभी हिंदी में भी आ जाएगा क्वेश्चन डरने की जरूरत नहीं है एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है एक बेईमान दुकानदार है वो ये प्रॉमिस करता है कि मैं अपने सामान को एक बेईमान दुकानदार ये प्रॉमिस करता है कि मैं अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेचता हूं लेकिन वो चालीस परसेंट लेस वेट देता है उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए देखो चालीस परसेंट लेस वेट देने का मतलब क्या है चालीस परसेंट लेस वेट देने का मतलब क्या है मतलब अगर उसको दस ग्रामीण परसेंट लेस वेट यूज करने का मतलब क्या है कि अगर उससे अपने किसी ग्राहक को जिस ग्राहक को दस ग्राम सामान तोल के देना चाहिए वो दस ग्राम का 40 परसेंट चार ग्राम कम यानी कि 6 ग्राम सामान ही दे रहा है अगर मैं ये कहता हूं कि सपोज एक ग्राम सामान की कीमत एक रुपए है तो ग्राम सामान होता है छह रुपए का है भाई और दस ग्राम सामान कितने का दस रुपए का डिस शॉपकीपर यह कहता है कि मैं तुमको सामान कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूं लेकिन चालीस परसेंट सामान कम देता है तो मतलब बेचते वक्त वो कैसे बेमानी कर रहा है भैया देना चाहिए उसे दस ग्राम सामान दस रुपए का लेकिन एक्चुअल में उसने छह ग्राम ही दिया झूठ बोल के छह रुपए का छह रुपए का सामान छह रुपए का सामान उसने झूठ बोल के दस रुपए में दिया। कितना प्रॉफिट कमा लिया चार बटे छह प्रॉफिट कमा लिया और चार बटे छह का मतलब सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट प्रॉफिट उसने कमा लिया इससे आसान तरीका है मैं तो कहता हूं ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत फोर्टी परसेंट का मतलब होता है टू बाई फाइव टू बाई फाइव मतलब इधर कम वैल्यू लिखो तीन इधर ज्यादा वैल्यू लिखो पांच कितना प्रॉफिट कमाया टू बाई थ्री सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट सौ मान के क्यों करो मैं तो दस मान के करा ना एक और सवाल लेता हूं सवाल नंबर दो इस शीट में सत्ताईस क्वेश्चन है ये मिसिलेनियस क्वेश्चन की शीट है भाई मिसिलेनियस सवालों की ये देखो सिम वैसा ही क्वेश्चन है एक डिस्टोनेस्ट डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है वो ये प्रॉमिस करता है कि मैं अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता हूं सीपी पर ही बेचता हूं लेकिन वो 840 ग्राम सामान ही देता है एक किलोग्राम की बजाय उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए मैंने ये मान लिया कि एक ग्राम सामान एक का है एक ग्राम सामान एक रुपए का एक हजार ग्राम सामान कितने रुपए का एक किलोग्राम यानी कि एक हजार ग्राम सामान एक हजार रुपए का लेकिन वो एक हजार ग्राम देता नहीं वो तो आठ सौ चालीस ग्राम ही देता है आठ सौ चालीस ग्राम यानी कि वो तो आठ सौ चालीस रुपए का ही सामान देता है तो मतलब वो कर क्या रहा है अपने ग्राहक को हज आठ सौ चालीस रुपए का सामान 840 ग्राम सामान वो हजार ग्राम बचा के बेच दे बेच दे रहा है यानी कि 840 रुपए का सामान वो एक हजार रुपए रहा है 160 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है 840 रुपए पर इतना प्रॉफिट कमा रहा है ना नहीं नहीं हिंदी में भी आएंगे अभी यार इधर आपको मैं कितनी बार कह रहा हूं इधर कम वैल्यू लिख दो इधर ज्यादा वैल्यू लिख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सोच रहे नहीं है भैया बेचते वक्त आठ रुपए का सामान झूठ बोल के हजार रुपए में गलत वजन का यूज करके तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है एक का आठ रुपए पर चार से काटेगा तो चार बटे इक्कीस का प्रॉफिट कमाया इन टू हंड्रेड परसेंट कितना है परसेंटेज में इक्कीस एक कम इक्कीस उन्नीस आ गया इक्कीस निम्मा एक सौ नवासी नो लगभग उन्नीस परसेंट है ना आंसर एप्रोक्सी एप्रोक्स उन्नीस परसेंट यहां तो इतने आसान से सवाल हैं ये बिल्कुल बेसिक के से सवाल हैं आगे बढ़ना ये बनाओ एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ये प्रॉमिस करता है कि मैं अपने सामान को 30 परसेंट के प्रॉफिट में बेचता हूं लेकिन वो 800 ग्राम वजन का ही यूज करता है एक किलोग्राम की बजाय उसको एक्चुअल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ एक्चुअल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ ये आपसे पूछा है बताओ एक्चुअल उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ ये करिए हिंदी में ही बताएंगे देखिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर किसी सवाल में आपको सब कुछ दे रखा हो प्रॉफिट भी दे रखा है डिस्काउंट भी दे रखा है मार्कअप भी दे रखा है खरीदते वक्त बेईमानी भी दे रखी है बेचते वक्त बेईमानी भी दे रखी है आप क्या करो उनको एक रेशो की फॉर्म में अरेंज करो और उस रेशो का नेट इफेक्टिव ही टोटल प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट होगा एक दुकानदार यह कह रहा है कि भैया मैं अपने सामान को 30 परसेंट के प्रॉफिट में बेच रहा हूं यानी कि 30 परसेंट प्रॉफिट तो वो कमा ही रहा है यानी कि दस रुपए का सामान 13 में बेच तो रहा ही है खुले में बेच रहा है दस का सामान तेहर में लेकिन वो बेईमानी भी कर रहा है एक किलोग्राम सामान की बजाय हजार ग्राम सामान की बजाय वो केवल आठ सौ ग्राम ही दे रहा है देखो बेईमानी की बात होती है तो इधर कम वैल्यू लिखो उधर ज्यादा वैल्यू लिखो आठ सौ रुपए का सामान उसने गलत वजन का यूज करके हजार में बेच दिया आठ सौ का सामान तो कुल कितना प्रॉफिट हुआ देखो तीन जीरो से तीन जीरो कट गया एट उसका नेट प्रॉफिट है 8 to 13 का मतलब 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ 8 रुपए पर तो 5 बटे 8 का मतलब नेट जो उसका एक्चुअल प्रॉफिट है वो 62.5 परसेंट है 62.5 परसेंट इससे आसान सवाल है क्या कोई सबका आ रहा है देखो अब बड़ा बड़ा ये करो दो विकास बिल्कुल दो कौन से पवन कौन से ग्रुप में पवन बताया करो लोगों को हमारे बारे में फिर मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा ये करो एक डिस्टोनेस्ट शॉपकीपर है जो अपने सामान को बोलता है कि भाई मैं फायदा नहीं कमाऊंगा पैसे से सख्त नफरत है वो अपने सामान को 44% परसेंट लॉस में बेचने का प्रॉमिस करता है लेकिन वो एक किलोग्राम सामान की बजाय केवल 910 ग्राम सामान ही देता है उसका एक्चुअल में लॉस परसेंटेज बताइए हिंदी में भी बताएंगे एक शॉपकीपर यह वादा करता है कि मैं अपने सामान को 44 परसेंट लॉस में बेच रहा हूं यानी कि सौ रुपए का सामान 44 रुपए के लॉस पर कि छप्पन में बेच रहा हूं लेकिन बेईमानी भी करता है चुपके से एक किलोग्राम सामान की बजाय केवल 910 ग्राम देता है यानी कि झूठ बोल के नौ रुपए का सामान हजार में बेच देता है उसको एक्चुअल में कितना लॉस हुआ यह बताओ तो नेट निकालो <coughs> तीन जीरो, दो जीरो एक, कट गया साथ से साथ छप्पन और सात से तेरह तेरह है में का का समान आठ में गया। तो लॉस हो, हो गया तो तेरह तीया उनतालीस ग्यारह जीरो तेरह अट्ठे एक सौ चार छह जीरो तेरह चौका बावन तो एक्चुअल में उसका जो लॉस है केवल 38.4 परसेंट है आंसर अच्छा अंकित क्यों विशाल कर ले रहे हो ना बेसिक से सवाल है फंडा ऐसा बताया है कोई आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है कि एक रुपए का प्राइस क्या और ये क्या वो क्या ये करो जरा ठीक है अप्रोक्स पूछा है ना तो थर्टी एट पॉइंट फोर ही तो आ रहा है सवाल नंबर पांच करो सक्सेसिव से ही तो किया है शत्रुघ्न सब सक्सेसिव तो है देखो इस सवाल में क्या किया है ए मैन मार्क्सअप इज गुड बाय पंद्रह परसेंट बट ही गिव्स नौ सौ बीस ग्राम इनस्टेड ऑफ वन किलोग्राम टू हिज कस्टमर फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज ये सवाल है अब देखो इस सवाल को देखो एक्चुअल में जो टीचर्स आपको सिखाते हैं जैसे आपको बुक में मिलेगा वो तरीका इधर है और हमारा तरीका इधर है जो पसंद आए वो करना बेसिक तरीका क्या होता है ऐसे करते हैं बेसिक तरीके से कि एक ग्राम की कीमत एक रुपए मान लो कितना मान लो एक ग्राम की कीमत मान लो एक रुपए अगर एक ग्राम की कीमत एक रुपये तो हजार ग्राम सामान की कीमत कितनी होती है हजार रुपए हजार ग्राम सामान की कीमत होती है हजार रुपए वन थाउजेंड रुपीज कितना एक ग्राम सामान की कीमत एक रुपए तो हजार ग्राम सामान का कॉस्ट प्राइस एक ग्राम का सीपी एक रुपए हजार ग्राम का हजार रुपये एक दुकानदार क्या करता है मार्कअप करता है अपने सामान का पंद्रह परसेंट से मतलब वो ये कहता है कि भैया मैं हजार ग्राम सामान हजार रुपए का खरीद के लाया हूं लेकिन मैं पंद्रह परसेंट ज्यादा में बेचूंगा मैं इसको बेचूंगा ग्यारह सो पचास रुपए में हजार का पंद्रह परसेंट डेढ़ सौ होता है मैं इस सामान को ग्यारह पचास रुपए में बेचूंगा कितने में बेचूंगा ग्यारह सो पचास रुपए में उसने पंद्रह परसेंट का मार्कअप कर दिया मतलब इस वाले सवाल में वो कॉस्ट प्राइस पे नहीं बेच रहा सीपी पे नहीं बेच रहा कह रहा यार थोड़ा मैं भी कमा लू पंद्रह परसेंट का मार्कअप कर लेता ग्राम देता ही नहीं है वो केवल 920 ग्राम सामान ही देता है 920 ग्राम सामान का कॉस्ट प्राइस कितना होता है 920 ग्राम का कॉस्ट प्राइस होता है नौ मतलब वो 920 रुपए का सामान झूठ बोल के ग्यारह रुपए में वो तो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें हजार ग्राम दे रहा हूं 1150 का ले जाओ लेकिन एक्चुअल में वो 920 ग्राम ही तोल के दे रहा है यानी कि दुकानदार का इन्वेस्टमेंट तो 920 रुपए का हुआ तो 920 रुपए का सामान उसने हजार ग्राम बता के ग्यारह में बेच के दिया तो 920 का सामान 1150 में बिक दे कितना प्रॉफिट हुआ दो रुपए का प्रॉफिट हुआ नौ रुपए पर इनटू हंड्रेड परसेंट तेईस चौका बानवे सौ बटे चार पच्चीस परसेंट प्रॉफिट हुआ कितना प्रॉफिट हुआ ट्वेंटी फाइव परसेंट का प्रॉफिट हुआ ये बेसिक तरीका है बोलो समझे यहां तक सभी स्टूडेंट समझ गए हैं रेशो से करते एक आदमी ने मार्कअप किया पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट मार्कअप का मतलब तीन बटे बीस। बीस का समान तेईस उधर ज्यादा वैल्यू मैंने तो कहानी खत्म कर दी मैंने तो कहते दिमाग लगाओ मत इधर कम वैल्यू लिखो उधर ज्यादा सिंपल सा फंडा है जीरो जीरो दो जीरो हटा देते तेईस चौका बानवे ठीक है ना और दो पंजे दस फोर इंस टू फाइव और फोर इंस टू फाइव का मतलब कितना प्रॉफिट वन बाई फोर और वन बाई फोर का मतलब पच्चीस परसेंट प्रॉफिट भैया दो टाइप से उसने प्रॉफिट कमाया ना एक तो मार्कअप से कमा रहा है पंद्रह परसेंट एक वो बेईमानी भी कर रहा है तो दोनों का मार्कअप का और बेईमानी का नेट इफेक्टिव पच्चीस परसेंट ठीक ना अगला सवाल सवाल बिल्कुल वैसा ही है डाटा चेंजेस को करना आप खुद से सवाल नंबर छह को ठीक है ये बनाइए यस ये करो भाई ये करो सवाल नंबर सात देखिए, ए ट्रेडर चीट्स बोथ हिज सप्लायर एंड कस्टमर बाय यूजिंग फॉल्टी वेट। एक ट्रेडर जो है अपने कस्टमर को भी और जो उसको सप्लाई कर रहा है उसको भी दोनों को चीट करता है सप्लायर से खरीदते समय वो ट्वेंटी परसेंट ज्यादा वजन लेता है इंडिकेटेड वजन से और बेचते समय अपने कस्टमर को इंडिकेटेड वजन से एक्चुअल वेट से 20 परसेंट कम देता है यदि वह आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है तो उस बंदे का नेट प्रॉफिट क्या है सुनने का जरा गौर से सुनेगा मेरे भाई गौर से कभी कभी देखो उसने खरीद कभी कभी वर्ड केवल इतना लंबा नहीं लिखता चीटिंग कृष्णा मैं हिंदी में समझा रहा हूं सुनना कभी कभी इतना लंबा ना लिख के सिंपल सा वर्ड लिख देता है खरीदते वक्त भी 20% परसेंट की चीटिंग की वजन में और बेचते वक्त भी 20% परसेंट की चीटिंग की वजन में एक दुकानदार अपने कस्टमर को और सप्लायर को दोनों को चूना लगा रहा है कस्टमर को एक्चुअल वजन से 20% परसेंट कम सामान देता है और जो उसको सामान सप्लाई कर रहा है दुकानदार उससे वो 20 परसेंट सामान ज्यादा ले आता है इंडिकेटेड वजन से उसने कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाया आप बताओ उसने खरीदते वक्त कितने की बेईमानी की 20 परसेंट की 20 परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू होती है एक बटे पांच खरीदते वक्त बेईमानी का क्या मतलब है कि देखो आदमी खरीदते वक्त बेईमानी कैसे करेगा जब वो ज्यादा वजन ले ले, मतलब उसको एक्चुअल में भैया पांच रुपए देके तो उसने छह रुपए का सामान खरीद लिया इतना प्रॉफिट कमाया कि नहीं पांच से छह कितना बेटा पांच से छाइव टू सिक्स बेचते वक्त कितना प्रॉफिट कमाया बेचते वक्त उसने 20 परसेंट सामान कम देता है मतलब उसको देना चाहिए पांच ग्राम उसको देना चाहिए पांच ग्राम सामान लेकिन दे केवल चार ग्राम ही रहा है तो आपको ये दोनों चीजें पहली बात तो लिखना आना चाहिए खरीदते वक्त क्या कहानी है और बेचते वक्त क्या कहानी है बात समझ में खरीदते वक्त क्या करता है कि खरीदना चाहिए पांच ग्राम लेकिन तुलवा के ले आ रहा है छह ग्राम तो पांच से छह बेचते वक्त क्या कर रहा है बीस परसेंट की बेवानी देना चाहिए पांच ग्राम दे रहा है केवल चार ही ग्राम यही तो है तो कितना टोटल उसका प्रॉफिट हुआ पांच से पांच चार से छह मतलब दो अनुपात तीन और दो अनुपात तीन का मतलब उसका जो नेट प्रॉफिट है एक रुपए का है दो रुपए पर वन बाई टू उसका जो एक्चुअल में जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो पचास परसेंट है एक्चुअल में जो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना वो पचास परसेंट है फिफ्टी परसेंट रजनीश पांच का सामान अगर चार में बिका तो भैया इधर हमेशा कम वैल्यू होगी इधर ज्यादा इधर कम वैल्यू होगी और इधर ज्यादा तभी ना आदमी को प्रॉफिट होएगा बेईमानी में ठीक है दूसरी बात इस सवाल का ये पेपर का एक्चुअल सवाल है इस सवाल का एसएससी जो आंसर देता है खरीदते वक्त 20 परसेंट की बेईमानी बेचते वक्त भी 20 परसेंट की बेईमानी एसएससी सवाल का आंसर ऐसे देता है खरीदते वक्त भी 20 परसेंट की बेचते वक्त भी 20 परसेंट की ओवरऑल बेईमानी होगी 20 प्लस बीस प्लस बीस यानी कि चौवालीस परसेंट सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा के इस आंसर को सही दिया था जो कि गलत है ये वाली चीज गलत है बताओ समझ में आया कि नहीं एसएससी इस सवाल का आंसर 40 परसेंट दिया था पेपर में जो कि गलत है दिस इज नॉट अ सक्सेसिव कंसेप्ट सक्सेसिव में एक ही आर्टिकल को बेचा जाता है सक्सेसिवली यहां पे सेम नहीं है खरीदते वक्त बेस कुछ और है और बेचते वक्त बेस कुछ और है अलग अलग है बात समझ में आई नहीं शत्रुघन बेईमानी हो रही है तो हजार का सामान आठ सौ में कैसे बिका इसलिए एसएससी तो इस सवाल का आंसर चौलीस परसेंट देता है लेकिन एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर पचास परसेंट है लेकिन एसएससी जो है इसका फोर्टी फोर परसेंट देता है आप हाँ एस को जो करना है करने तो पेपर में जब भी सवाल आएगा अगर अगर ऑप्शन में सपोज पचास परसेंट है ही नहीं सपोज यहां ऑप्शन 48 परसेंट होगा अगर ऑप्शन में पचास परसेंट है ही नहीं तो आप यही वाला गलत आंसर 44 परसेंट मार्क करके आ जाइएगा सुनना मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं अगर ऑप्शन में पचास है ही नहीं जो कि था भी नहीं ऑप्शन में तो आप गलत आंसर ये चौवालीस परसेंट मार्क करके आ जाएगा घर को। लेकिन अगर ऑप्शन में पचास परसेंट भी है चौवालीस परसेंट भी है तो आप हमेशा सही वाला मार्क करिएगा सही वाला क्योंकि बच्चे जो है बाद में इसको चैलेंज करेंगे और एस आपको नंबर देगी ठीक है ना कोई प्रॉब्लम है अगर पचास परसेंट नहीं है ऑप्शन में तो मतलब 44 मार्क करके घर को आ जाइए ठीक है ना लेकिन अगर दोनों है तो सही आंसर ही मार्क करिए दीपक सेम क्वेश्चन आएगा बट डाटा चेंज होगा हो सकता है इस बार पंद्रह पंद्रह आ जाए बीस की जगह पंद्रह पंद्रह हो, हो जाए डाटा सेम नहीं रहेगा ठीक है ना कुछ और हो जाएगा लेकिन करेक्ट आंसर अगर नहीं है ना ऑप्शन में तो ये सक्सेसिव से जो आंसर आ रहा है उसको मार्क कर दो अगर करेक्ट आंसर नहीं है ऑप्शन में अगला करेंगे इसे सवाल देखो एक शॉपकीपर बाईस की चीटिंग करता है खरीदते वक्त साढ़े बाईस परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू होता है नौ की चीटिंग मतलब उसको ग्राम सामान खरीदना चाहिए तो वो खरीद लाता है गलत तुलवा के उनचास ग्राम तो चालीस का सामान उनचास में इतना प्रॉफिट कमाया सीधा सीधा प्रॉफिट है जो चीज एक्स्ट्रा ले आए वो सीधा सीधा प्रॉफिट है लेकिन बेचते वक्त वो बेईमानी करता है वजन में एक बटे पंद्रह की छह पॉइंट छह छह परसेंट की बेईमानी करता है बेचते वक्त बेचते वक्त बेईमानी देखो बेईमानी जो दी है ये वजन के हिसाब से दी है मतलब बेचते वक्त अगर उसे अपने ग्राहक को पंद्रह ग्राम सामान देना चाहिए तो पंद्रह ग्राम न देके अपने ग्राहक को एक ग्राम कम चौदह ग्राम सामान ही वो दे रहा है कितने दे रहा है चौदह ग्राम सामान ही वो दे रहा है ठीक है ही प्रोमिस टू सेल एट इलेवन लॉस वो अपने सामान को 11.11 परसेंट .11 यानी कि 1 बाई नाइन के लॉस पे बेचने का दावा कर रहा है कि बेच कितने में रहा है नौ का सामान आठ में बेच रहा है तो आपसे पूछा प्रॉफिट क्या हुआ ओवरऑल सक्सेसिव निकाल लीजिएगा आठ पंजे चालीस तीन पंजे पंद्रह तीन तिया नौ सात सत्ते उनचास सात दूनी चौदह और पांच से पांच तो आ जाएगा सिक्स इंस टू सेवन और सिक्स इंस टू सेवन का मतलब ओवरऑल प्रॉफिट हुआ उसको वन बाई सिक्स और वन बाई सिक्स का मतलब सोलह प्रॉफिट सोलह प्रॉफिट ठीक है ना तो आप मेरी लैंग्वेज को धीरे धीरे पकड़ रहे खरीदते वक्त और बेचते वक्त में क्या फर्क है बेचते वक्त सामान कम दिया जाता है खरीदते वक्त सामान ज्यादा खरीदा जाता है ठीक है ना चलो ये करिए सवाल नंबर नौ ये सवाल आपका सन 2016 हजार मेन्स का है इसको करिएगा जरा 2016 हजार का एक्चुअल सवाल है किसी को कोई डाउट है एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वजन गलत वजन का यूज करता है खरीदते वक्त बेईमानी करता है साढ़े बाईस परसेंट की खरीदते वक्त साढ़े बाईस परसेंट की बेईमानी का क्या मतलब है कि अगर उसे चालीस ग्राम सामान खरीदना चाहिए कितना चालीस ग्राम सामान खरीदना चाहिए तो वो नौ ग्राम एक्स्ट्रा तुलवा के ले आता है मतलब वो पैसा केवल चालीस रुपया पे करता है अपनी पॉकेट से लेकिन सामान ले आता है उनचास रुपए का तो उसने प्रॉफिट कमाया चालीस रुपए पे नौ रुपए का प्रॉफिट कमाया बेचते वक्त छह परसेंट यानी कि एक वा पंद्रह की बेईमानी करता है दुकानदार को अपने ग्राहक को सामान देना चाहिए अगर पंद्रह रुपए का तो इस पंद्रह रुपए में वो एक ग्राम वजन कम दे रहा है ये जो है सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट की चीटिंग ये वजन में बता रहा है पंद्रह ग्राम सामान देना चाहिए एक ग्राम सामान कम दे रहा है केवल चौदह ग्राम सामान दे रहा है यानी कि वह चौदह रुपए का सामान झूठ बोल के पंद्रह रुपए में दे रहा है ठीक है ये बनाओ। आंसर दिख रहा है सी अच्छा एक बेईमान व्यापारी है गलत बातों का प्रयोग करता है अपने वस्तुओं को और विक्रिय करते समय दोनों बार एक्स परसेंट तक बेईमानी करता है उसकी लागत पर लाभ प्रतिशत क्या होगा बताइए खरीदते वक्त भी एक्स परसेंट की बेईमानी बेचते वक्त भी एक्स परसेंट की बेईमानी कुल उसको प्रॉफिट कितना होगा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स गुणा एक्स बटे सौ यानी कि दो एक्स बटे एक्स स्क्वायर बाई हंड्रेड परसेंट ये गलत है यह सवाल पेपर में आया था और इसका आंसर एसएससी ने गलत दिया था एक्चुअल में इस सवाल का आंसर ऑप्शन में है ही नहीं दिस इज गलत आंसर दिस इज नॉट अ सक्सेसिव क्वेश्चन दिस इज नॉट अ सक्सेसिव क्वेश्चन मैंने जो अभी आपको लास्ट सवाल कराया था ये वाला क्या सेम क्वेश्चन नहीं है 20 परसेंट और 20 परसेंट का नेट इफेक्टिव ऐसे तो 44 आंसर हो जाता मैंने तो रेशो से कराया आंसर पचास परसेंट आया अंकिता ने वेरी गुड आंसर बताया वेरी गुड अंकिता प्राउड ऑफ यू दो सौ माइनस एक्स वेरी गुड इसका जो करेक्ट आंसर है मैं इसको बता रहा हूं ऑप्शन में सही आंसर दिया ही नहीं है एससी ने बेस सौ ग्राम मान के कर लेते हैं ऐसा मान लो कि अगर कोई दुकानदार खरीदते वक्त एक्स परसेंट की बेईमानी करता है रेशो से करते हैं ना अगर कोई दुकानदार खरीदते वक्त एक्स परसेंट की बेईमानी करता है इसका मतलब यह है कि अगर उसको 100 ग्राम सामान खरीदना चाहिए तो गलती से अपने सप्लायर से एक्स ग्राम फालतू तुलवा के ले आता है यानी कि 100 प्लस एक्स ग्राम वजन वो तुलवा के ले आता है यानी कि वो पैसा कितने का पे किया केवल 100 ग्राम का पे किया लेकिन तुलवा के कितना ले आया 100 प्लस एक्स ग्राम सामान तुलवा के ले आया तो सौ रुपए का सामान सौ सौ प्लस एक्स रुपए का सामान सौ रुपए में ही ले आया समझ में आया कि नहीं अब बेचते वक्त वो एक्स परसेंट की बेमानी करता है बेचते वक्त बेचते वक्त एक्स परसेंट की बेमानी मतलब अगर उसे अपने ग्राहक को 100 ग्राम सामान देना चाहिए तो वो 100 ग्राम दे ही नहीं रहा वो तो एक्स ग्राम कम वजन दे रहा है 100 माइनस एक्स ग्राम वजन दे रहा है यानी कि वो 100 माइनस एक्स ग्राम वजन कम दे रहा है झूठ बोल के ये सौ माइनस एक्स रुपए का सामान सौ ग्राम बता के बेच दे रहा है इधर हमेशा कम वैल्यू होती है इधर हमेशा ज्यादा अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं हर बार करता क्या हूं? ये खरीदते वक्त बेईमानी ये बेचते वक्त बेईमानी दोनों में थोड़ा सा फर्क है बात समझ में नेट क्या हुआ? सौ से सौ काट दीजिएगा सौ माइनस एक्स रेशियो सौ प्लस एक्स कहने का मतलब कि एक्चुअल में सौ माइनस एक्स का सामान सौ प्लस एक्स में बिका दो एक्स रुपए का प्रॉफिट हो गया सौ माइनस एक्स रुपए पर इंटू हंड्रेड परसेंट और बहुत सारे टीचर भी बड़े बड़े टीचर भी सवाल को ऐसे ही करा देते हैं सक्सेसिव लगा के और एक्चुअल में सवाल का आंसर ये है आकाश क्या हुआ बेटा तुम बौखला क्यों रहे हो आकाश अच्छा अंकिता बहुत अच्छी स्टूडेंट है कृष्णा यार 100 माइनस एक्स का समान अगर 100 प्लस एक्स में बिका तो कितना प्रॉफिट हो गया दो एक्स का ना 100 प्लस एक्स में 100 माइनस एक्स को हटाओ दो एक्स रुपए का प्रॉफिट हो गया 100 माइनस एक्स रुपए पर खुश हो जाते बच्चे हो गया बड़े बड़े बालक है अगला करो सवाल नंबर बनाओ भाई दस, दस और ग्यारह दो क्वेश्चनों कराऊंगा इंपॉर्टेंट सवाल है चलो यही कराता हूं लास्ट बाकी कल करा देंगे कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मिक्सर कल मिक्सर स्टार्ट करेंगे ठीक है ना मिश्रण आएगा प्रशांत भाई जल्दी आएगा ठीक है एक शॉपकीपर कितना मार्कअप करता है सीपी से चौबीस परसेंट अबव मार्कअप करता है उसके बाद पंद्रह परसेंट का डिस्काउंट देता है अपने कस्टमर को लेकिन बेचते समय एक किलोग्राम सामान की बजाय एक सौ एक ग्राम सामान कम देता है एक किलोग्राम हर एक किलोग्राम सामान में एक सौ एक किलोग्राम सामान कम दे रहा है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है बड़ा बढ़िया सवाल है एक शॉपकीपर अगर चौबीस परसेंट मार्कअप कर रहा है चौबीस परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू होती है छह बटा पच्चीस कि अगर कोई सामान पच्चीस रुपए का है तो वो छह रुपए उसने मार्कअप कर दिया इकतीस का कर दिया पच्चीस का सामान इकतीस में कर दिया उसके बाद पंद्रह परसेंट डिस्काउंट दिया पंद्रह परसेंट मतलब तीन बटे बीस।, बीस का डिस्काउंट दिया यानी कि बीस का सामान कितने में सत्तर का कर दिया अब बेचते वक्त वो बेईमानी कर रहा है कैसे कर रहा है अपने कस्टमर को एक किलोग्राम हर एक किलोग्राम वजन में सामान में 101 किलोग्राम कम दे रहा है मतलब अगर कस्टमर को 1000 ग्राम सामान देना चाहिए तो 101 किलोग्राम कम यानी कि 899 ग्राम ही सामान दे रहा है मतलब वो झूठ बोल के 899 रुपए का सामान एक हजार रुपए में बेच दे रहा है तो यही बना कि नहीं इफेक्टिव यही बना कि नहीं इफेक्टिव वो भी होगा अभिजीत गोपाल तुमको तो मिक्सर आता है क्या पूरा यार ये बताओ यो नो करके यही बनेगा इसको सिंप्लीफाई करते पच्चीस इंटू बीस पांच सौ से एक हजार दो बार कट जाएगा टू टाइम्स ये कटता है क्या इकतीस से इकतीस दूनी बासठ कितना बच जाएगा तुम्हारा दो सौ नौ टू सेवनटी नाइन तो नौ बार कट जाए उन्तीस बार कट गया भाई ये तो उन्तीस 29 बार कट गया ना इकतीस दूनी बासठ कितना बच जाएगा नौ में दो के साथ आठ में से 6 गया छो टू सेवेंटी सत्ताईस कितना है उन्तीस से चौतीस नेट इफेक्ट कितना है उन्तीस से चौतीस सत्रह से बीस कैसे आया उन्तीस से चौतीस आएगा नेट यानी ने कि उन्तीस का समान चौतीस में बिका ओवरऑल तो पांच रुपए का प्रॉफिट हुआ उन्तीस रुपए पर तो प्रॉफिट हुआ पांच सौ 29 परसेंट इज द प्रॉफिट तो प्रॉफिट आ गया ये पांच सौ बटा उनतीस परसेंट सत्रह बटे बीस क्यों होगा अरे डिस्काउंट दे रहे हो यार सुमित तो डिस्काउंट कैसे देते हो डिस्काउंट मतलब तो कम करना होता है पंद्रह परसेंट बीस का समान सत्रह में बिका ठीक है कोई दिक्कत 500 को मैं कर देता हूं कैलकुलेटर से मन नहीं है अब पांच सौ डिवाइडेड बाई उन्तीस सत्रह पॉइंट दो चार सत्रह पॉइंट दो चार सेवनटीन पॉइंट टू फोर परसेंट उसका प्रॉफिट है अप्रोक्सीमेटली चलो ये क्वेश्चन करके बताओ भाई ये डिसऑनेस्ट डीलर का सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन है मतलब मैक्सिमम पेपर में अगर सवाल आएगा तो मैक्सिमम यही लेवल रहेगा इससे ऊपर का सवाल डिसऑनेस्ट डीलर का ना कभी किसी एग्जाम में बना है और ना कभी बनेगा इसको करो ढंग से एक शॉपकीपर जो है अपने सामान को सीपी से कितने परसेंट अब मार्कअप करता है पैंतीस परसेंट मार्कअप करता है पैंतीस परसेंट सात बटे बीस मार्कअप करता है मार्कअप मतलब सत्ताईस का हो गया मार्कअप कर दिया फिर उसके बाद उसने 23% डिस्काउंट दिया अपने कस्टमर को 23% डिस्काउंट देने का क्या मतलब है 100 के समान पे 23 का डिस्काउंट दे दिया 100 का सामान 77 में बेच रहा है अच्छा एट टाइम ऑफ बाइंग खरीदते समय वो 1120 ग्राम यूज करता है इन सीड ऑफ वन किलोग्राम सीट डलवा देंगे भी खरीदते वक्त वो क्या कर रहा है हेरा फेरी कर रहा है क्या कह रहे हैं चलो इधर देखो खरीदते वक्त उसको सामान लेना चाहिए था एक किलोग्राम लेकिन तुलवा का कितना लिया है 1120 ग्राम यानी कि हजार से कितना रेशो जाएगा 1120 रेशो जाएगा ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है सालों को करने का एंड एट द टाइम ऑफ सेलिंग बेचते समय बेचते समय भी हेरा फेरी कर रहा है बेचते समय वो एक किलोग्राम सामान की बजाय केवल 880 ग्राम सामान ही दे रहा है तो बेचते वक्त उसने कैसे बेईमानी करी भाई बेचते वक्त उसको देना चाहिए 880 ग्राम लेकिन वो दे, मतलब बेचते समय देना चाहिए उसको हजार ग्राम लेकिन दे कितना रहा है केवल 880 ग्राम तो ये मैंने आपको कल बता दिया था ऑलरेडी कि किस तरीके से लेना है खरीदते समय बेचते समय खरीदते समय लेना चाहिए था एक किलो लेकिन झूठ बोल के लिया 1120 किलोग्राम गलत बाट का यूज करके तो हजार से 1120 सो बीस हाँ प्रशांत हिंदी में लिखा देंगे बेचते वक्त देना चाहिए था कस्टमर को हजार लेकिन दिया केवल 880 तो 880 रुपए का इन्वेस्ट करके सामान हजार में बेच दिया ओवरऑल क्या हुआ देखो सिंपलीफाई करते हैं ये ये हजार से हजार तो पूरा कट ही जाएगा ना देखिये ये जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा ग्यारह सत्य यहां से सत् कट गया भाई क्लियर है किसी को कोई डाउट आठ से चौदह उसके बाद दो से काट लेते दो दुसाम बीस और दो से चौदह सात बार कट गया तो सौ इंटू दस कितना आ गया हजार आ गया सात सत्ते उनचास सत्ताईस इंटू फोर्टी नाइन आ गया यानी कि मैं कह सकता हूं कि हजार का समान कितने में बिक गया पचास इंटू सत्ताईस होता है तेरह सो पचास तो तेरह सो पचास में से सत्ताईस घटाओ तो तेरह सो तेईस हजार का समान जो नेट इफेक्ट रहा नेट इफेक्ट क्या रहा हजार का समान तेरह सो तेईस में बिका हाँ पीडीएफ बाइलिंग वाली डलवा दूंगा मतलब हजार का समान कितने में तेरह सो तेईस में बिका ओवरऑल तो आप मुझे बताइए ओवरऑल कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ तो इसको दस से जब डिवाइड कर लीजिएगा मतलब मैं कह सकता हूं कि सौ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो एक सौ बत्तीस पॉइंट तीन रहा है यानी कि उसका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है बत्तीस पॉइंट थ्री परसेंट का उसको प्रॉफिट हो रहा है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बहुत बढ़िया सवाल था बत्तीस उसका प्रॉफिट है बोलो मजा आया सवाल करके वॉइस मिस मैच इसको ठीक करो वॉइस मिस मैच है तो ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये और इसको बहुत टिपिकल तरीके से लोग करते हैं समझाते हैं आपको ऐसा कुछ नहीं करना मैं हमेशा कहता हूं कि जितने भी एक्शन दे रखे पहले मार्कअप किया फिर उसके बाद डिस्काउंट दिया फिर खरीदते वक्त बेईमानी बेचते वक्त बेईमानी ओवरऑल निकाल लीजिए आ जाएगा क्लियर है सवाल नंबर बारह देखो एक सवाल में ये भी करा देता हूं आपको कपड़े वाला क्वेश्चन कपड़े वाला क्वेश्चन भी आता है पेपर में हां भरत डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑन कैश पेमेंट व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज ये सवाल पेपर का पूछा हुआ है भाई ठीक है ना क्वेश्चन <coughs> में दिया हुआ है कि एक कपड़ा व्यापारी है खरीदते समय वो एक मीटर कपड़े की बजाय 120 सेंटीमीटर का स्केल यूज करता है मतलब खरीदते में उसको कपड़ा खरीदना चाहिए 100 सेंटीमीटर लेकिन वो गलत मीटर का यूज करके लिया खरीद के 120 सेंटीमीटर लेकिन जब कस्टमर को बेचने की बात आती है तो वो एक मीटर की बजाय केवल 80 सेंटीमीटर ही कपड़ा देता है मतलब कस्टमर को देना चाहिए सौ लेकिन वो कितना दे रहा है अस्सी सेंटीमीटर ही दे रहा है तो खरीदते वक्त भी बेईमानी कर रहा है बेचते वक्त भी और वो ट्वेंटी परसेंट यानी कि वन बाई फाइव का डिस्काउंट भी दे रहा है वन बाई फाइव डिस्काउंट देने का मतलब कि पांच का सामान कितने में दे रहा है चार में उसका पूछा ओवरऑल प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिट देखिए सौ से सौ कट गया चार से अस्सी कितना बीस बार और बीस से एक सौ बस बीस छह बार तो नेट कितना है फाइव इंसू सिक्स आया और फाइव इंस टू सिक्स का मतलब ओवरऑल क्या हो गया उसको प्रॉफिट हो गया वन बाई फाइव यानी कि ट्वेंटी परसेंट उसका प्रॉफिट हो गया ओवरऑल डीएसएसबी में भी पूछा था रजनीश अच्छा गौरव हां बोलो क्लियर है राहुल क्या समझ नहीं हैं कल वाला लेक्चर देखे सब समझ में आएगा ठीक यस ये बनाइए क्वेश्चन सॉल्व करिए भी फटाफट सवाल नंबर तेरह देखो एक व्यापारी है वो अपने सामान को के परसेंट लाभ पर बेचता है ग्राहक को वो ये कह रहा है कि मैं भैया सामान पे सीपी पे के परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा हूं अच्छी बात है Besides, लेकिन इसके अलावा वो एक किलोग्राम सामान की बजाय केवल 880 ग्राम सामान ही दे रहा है अपने कस्टमर को जिसकी वजह से उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट 25 परसेंट है तो के का मान बताइए ये क्वेश्चन भी पेपर का पूछा हुआ है ये क्वेश्चन क्वांटम कैट में दे रखा है सॉरी देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है आप मुझे बताइए कि एक ट्रेडर जो है अपने सीपी से कितना परसेंट एब प्रॉफिट कमा रहा है के परसेंट तो भैया मुझे परसेंटेज पता नहीं है अगर परसेंटेज पता नहीं तो मैंने रेशियो क्या मान लिया एक्स रेशियो वाई सपोज वो एक्स रेशियो वाई के रेशियो में प्रॉफिट कमा रहा है सीपी से कितना परसेंट एब उसने मार्कअप किया है के परसेंट ठीक है ना ट्रेडर ये कह रहा कि भाई मैं तो परसेंट प्रॉफिट कमा ये कमा रहा रहा ये परसेंट प्रॉफिट लेकिन वो वो बेचते टाइम ग्राहक को हजार ग्राम सामान देना चाहिए केवल दे तो 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 जिसकी वजह से जो उसका ओवरऑल प्रॉफिट हुआ जो उसका पचीस परसेंट हुआ पचीस परसेंट यानी कि फोर हो गया चार अनुपात पांच कितना चार अनुपात पांच तो अब तक आपसे पूछा यहां पे के की वैल्यू एक्स रेशियो वाई निकालना पड़ेगा बेस्ट शॉर्टकट क्या बताया कि हजार को इधर लाओ इसको इधर लाओ हजार इंटू चार चार हजार हो गया और आठ सौ अस्सी गुना पांच चौवालीस सो हो गया तो कट गया यानी कितना गया कि दस रेशियो ग्यारह और दस रेशियो ग्यारह का मतलब कितना है? वन बाई टेन वन बाई टेन का उसने सीपी पे प्रॉफिट कमा रहा था यानी कि टेन परसेंट आंसर इस क्वेश्चन का टेन परसेंट हो गया इतना बेहतरीन तरीके से हमने कर दिया मतलब टेन परसेंट तो उसको प्रॉफिट हो रहा था नहीं नहीं अमन टेन परसेंट तो उसको प्रॉफिट हो रहा था सीपी पे प्राइस बढ़ाने की वजह से बाकी का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो हुआ हेरा फेरी करने की वजह से बेईमानी करने की वजह से क्लियर है एक यस ये क्वेश्चन और देखते हैं सवाल नंबर चौदह बनाइए फटाफट बनाइए अमन बहुत सारे हैं भाई यहां पे <coughs> एक मर्चेंट है वो ये क्लेम कर रहा है कि भाई मैं साढ़े बारह परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा हूं अपने सामान पे साढ़े बारह परसेंट लाभ कमाने का दावा कर रहा है लेकिन वास्तव में वो कर क्या रहा है कि एक किलोग्राम की जगह लेकिन वास्तव में किलोग्राम की जगह गलत वजन तोल के पच्चीस परसेंट का लाभ कमाता है अच्छा देखिए एक शॉपकीपर ये कह रहा कि भाई मैं तो साढ़े बारह परसेंट प्रॉफिट कमा रहा हूं परसेंट मैंने फेरी एक किलोग्राम कम दे रहा है। जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट कितना है 25 परसेंट का प्रॉफिट कमा ले रहा है तो बताइए वो कितना सामान दे रहा है कितना वजन वो यूज कर रहा है एक किलोग्राम की बजाय ये आपसे पूछा है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन आप मुझे एक बात बताओ कि एक शॉपकीपर क्लेम करता है साढ़े बारह परसेंट प्रॉफिट कमाने का वन बाई एट वन बाई एट प्रॉफिट कर रहा है यानी कि आठ का सामान कितने में बेच रहा है नौ में बेच रहा है लेकिन हुआ तो उसको ओवरऑल पच्चीस परसेंट प्रॉफिट है हुआ तो पच्चीस परसेंट प्रॉफिट फोर इंस टू फाइव प्रॉफिट हुआ ओवरऑल प्रॉफिट तो उसको पच्चीस परसेंट का हुआ ना चार बटे पांच ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहां से आया क्योंकि वो समान एक किलोग्राम ना देके समान वो एक किलोग्राम यानी कि हजार ग्राम ना देके सपोज वो समान एक्स ग्राम ही दे रहा है वो समान हजार ग्राम ना देके केवल समान एक्स ग्राम ही दे रहा है अपने कस्टमर को तो मैंने इसको एक्स मान लिया और यही पूछा है और सिंपल सा फंडा है अगर आपको ये देखना है कि ये वैल्यू यहां चली जाती है और ये वाली वैल्यू आपकी यहां आ जाती है अगर आपको यह निकालना है बटे की वैल्यू निकालनी है तो यह कितना आ जाएगा चौक चालीस इधर, इधर तो जीरो से जीरो और चार से सौ कितनी बार कट जाएगा पच्चीस बार तो एक्स पच्चीस पचहत्तर साढ़े सात सौ प्लस डेढ़ सौ नौ सौ ग्राम यानी कि वो अपने कस्टमर को कितना दे रहा है केवल नौ सौ ग्राम ही दे रहा है सामान कितना दे रहा है नाइन हंड्रेड ग्राम